नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो 2023 आई है, यानी कि जिसमें आपके कुल टोटल 709 पद हैं, इसमें काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि जो वन जीव रक्षक की जो भर्ती आई है सर 709 पदों की, उसमें सर PET कट ऑफ कितना रहेगा, कि 2022 में जिन्होंने PET का एग्ज़ाम दिया था उसमें कितने नंबर वाले इस एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं और कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे कि आप लोगों को कितने बच्चे यहां पे इस एग्जाम्स में बुलाए जाएंगे और कितने नंबर वालों को यहां पे बैठने का मौका मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपको बता दें, फॉर्म अप्लाई सबसे पहले बात ये है, आप देखो बता दें आप लोगों को फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, सभी लोग अप्लाई करिएगा क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 रुपये की बात है, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। और मैं कट ऑफ की दोस्तों बात करूँ और देखो इसका कट ऑफ की बात कर लूँ, तो अगर ये 709 पद हैं दोस्तों, देखो पद तो काफ़ी कम हैं, लेकिन आपके कट ऑफ की बात कर लें, जो आपके जर्नल हैं और OBC हैं, ST हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, यानी गर्ल्स की भी इसमें वैकेंसीज हैं, गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आपके पेट में इस कट ऑफ अगर 70 हैं, ठीक है, कितने 70 नंबर अगर आपके जनरल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो आप लोग इसमें चांस है, इसमें बैठने का मौका मिलेगा आपको। 70 अगर प्लस आपके नंबर हैं तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि आपको बता दें, इसलिए अगर इस एक दो नंबर कम भी जा सकती है कट ऑफ और एक दो नंबर ज़्यादा जा सकती है, क्यों कम जा सकती है, क्यों ज़्यादा जा सकती है, रीज़न है उसका, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ आपको, इसमें जो रेस आपकी है बहुत ही ज़्यादा टफ रहती है, क्योंकि 25 किलोमीटर रेस बहुत ही टफ़ है, क्योंकि 25 किलोमीटर रेस निकालना 4 घंटे में कोई खिलौना नहीं है, वो भी आपका 10 kg का वेट लाद कर पीठ पे आपको लदा दिया जाता है और वहाँ पे आपको तब रेस कराई जाती है, तो काफ़ी बच्चे वहाँ पे निकल जाते हैं, रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम भी जाती है दी जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों को बुलाया जाएगा। देखो पेट कोई भी जो आपकी UP SSC है, कोई भी एग्ज़ाम्स कराती है, तो यहाँ पे लगभग आपका 30 से 35 गुना बच्चों को बुलाती है। पिछली बार कोई भी एग्ज़ाम्स हुए थे तो लगभग 33 गुना बच्चों को बुलाया था, तो आपको यहाँ पता है 709 पद हैं, अगर आपको केवल आप 30 ही गुना कर लेते हैं तो लगभग यहाँ पे 21,000 समथिंग आपका आप बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 21,000 के ऊपर प्लस ही बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो आप देखना है कि 21 से हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए, 25-26 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि रेस है इसमें, तो आपका परसेंटेज बढ़ सकता है 35% तक, मान चलिए कि 35% बच्चों को, 35 गुना बच्चों को बुलाया ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, अगर आपके 70 से एक दो नंबर प्लस हैं या एक दो नंबर कम हैं, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा ज़रूर। देखिए, ज़्यादा नंबर कम है तो नहीं मौका मिल सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि बेरोज़गारी बहुत है, फॉर्म बहुत अप्लाई होगा, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे पेट्स का एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन 2021 का जैसे एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 लाख बच्चों ने दिया था, लेकिन जो 2022 का पेपर हुआ उसमें काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, तो इसे इसका ध्यान रखना है, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहने वाली है। और दोस्तों बता दें, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं तो अगर करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, तैयारी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जो आपका पेपर हुआ था 2019 का, उसका मैंने पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की कराई है, और आप लोगों की जो 2023 की फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन वो भी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई क्वेश्चन बनता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।